अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद रईस, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनऊ ब्लॉगर। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बड़े का कोरमा। तो दोस्तों आखिर तक वीडियो से जुड़े रहें, आइए फिर आप सभी को दिखाते हैं सबसे आसान तरीका बनाने का। तो आज बनेगा करम कल्ला और बड़े का गोश्त, तो आखिर तक वीडियो से जुड़े रहें। तो दोस्तों ये हमने नमक ले लिया है, सूखा मिर्च ले लिया, हल्दी ले लिया है और धनिया साथ में ले लिया है। ये हमारा मसाला हो गया है। और दोस्तों ये अदरक लहसुन का हमने पेस्ट ले लिया है, इसको हमारा हमको इसके इसमें डाल के अच्छे से भूनना है। तो ये हमने इसमें मसाला डाल दिया है, अदरक लहसुन का ये पेस्ट है और ये सारा मसाला हमने डाल दिया है, ये धनिया हल्दी मिर्च और नमक। अब दोस्तों ये हमें अच्छे से धीमी आंच में इसको भूनना है, हल्का इसको लाल होने देना है धीमी आंच में। तो ये मैंने 250 ग्राम हरी मटर ली है और इसको हमने इसको रिफाइंड तेल में इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो ये अच्छे से मेरा मटर हो गया फ्राई और हमने इसमें गोश्त में मिक्स कर दिया है, आप सभी देख सकते हैं इसको अच्छे से मिलाना है। ये मैंने बंद गोभी ले ली है आधा किलो, इसको हमने अच्छे से रिफाइंड तेल में अच्छे से इसको फ्राई करना है दोस्तों। तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसको हमें गोश्त में डाल देंगे। ये भी ऑलरेडी हो चुका है। तो ये हमने इसमें डाल दिया है कुकर में, अब इसको हमें अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया, हमने इसमें डाल दिया है। ये हमने थोड़ा सा टमाटर काट लिया है, ये भी हमें इसी में डालना है। तो आप सभी देख सकते हैं करम कल्ला गोश्त और हमने साथ में इसमें मटर भी ऐड कर दी है, आप सभी देख सकते हैं ये ऑलरेडी ये बन के कम्प्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जल्द ही मिलते हैं आप सभी से एक और ब्लॉग के साथ, और कमेंट बताएँ ज़रूर कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी, और कमेंट बताएँ आप सभी कि आप वीडियो कहाँ की देखना चाहते हैं।